आप ये ज्ञान का महामंत्र है, तो एकदम याद रखिए अच्छा से एकदम। मूल मंत्र में कुछ बच्चा से कुछ और कौन लगता है क्या? डिटरमिनेंट का महामंत्र है, बहुत काम आता है ये। इसमें इसका एक ही कंसेप्ट है, होता है दस सी। अगर आपको टेन सी यूज करने आ गया, समझिए डिटरमिनेंट का सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वन का मतलब ये तो वन है, तो वन का मतलब वन, जीरो का मतलब, का मतलब कॉमन। ये कहता ये है कि ट्राई कीजिए किसी एक रो या कॉलम में वन वन लाइए। क्या लाइए? वन वन लाइए। फिर अगर हो सके, अगर वन वन आ गया, क्या गया, तब लाइए जीरो जीरो लाइए। जब भी आ जाए तब कर लीजिए जो कॉमन, उसको कॉमन कर लीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट को विस्तार कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। पहले ट्राई करना है दिमाग लगा के, कैसे भी हमको लाना है वन वन, ठीक, फिर दो जीरो लाइए। देखो दो अगर वन वन आ गया है किसी एक रो या कॉलम में, दो जीरो पक्का आ जाएगा। लेकिन हर बार दो जीरो आ जाएगा, हर बार वन वन आ जाएगा, ये भी गारंटी, ये अधिकांश सवालों में आ जाएगा। अधिकांश सवालों में, 10 सवाल में 6 सवाल में मिल जाएगा, 7 सवाल में ही, बाकी में आपको ना वन वन आएगा ना जीरो जीरो आएगा, फिर आपको बात करना उसके हिसाब से। इसी में कहाँ आया था पिछले साल में वन वन आया था? नहीं आया था। और पिछला में चलो वन वन आया था, हम जीरो लाए नहीं है। हम चाहते हम दो जीरो ला सकते थे, कैसे? आर वन में से आर टू घटाते और R2 में से R3 घटाते, यहाँ क्यों नहीं लाया सब? जब दो सेव हो गई, अपने आप आंसर दे रहा है, तो हम क्यों नाटक करने जाए साहब? जब सब्जी वाला सब्जी लाकर खुद दे रहा है, चिकन खुद दे रहा है, तो मांगने क्यों जाए उससे? जाकर बुला के लाइएगा। कुछ लोग ऐसा है जैसे खाना खाने बैठेगा ना, और देखेगा कि सब्जी वाला आ रहा है, पनीर वाला कहने है, तो उन्हें ओटोला में उधर बांट रहा है, तो तुम्हें खो हम आओ, रुक जाओ, या उसको बुला के लाएगा। अच्छा बुला के लाएगा, उसको डर लगेगा, जानते क्या करेगा, ये बोले कि जाएगा प्लेट मांग लेगा प्लेट, और उसमें रखवा लेगा पनीर या चिकन जो है, रखवा के आकर बैठ के अकेले खाएगा। बाकी लोग पूछेगा बुला के नहीं लाया है, तो आ रहा है, तो अपने खा रहा है, अब कहाँ है तो आ रहा है। साहब इसमें समझाया बात आपको? चलो ये भी समझ आ गया आपको। इस सवाल का जो सबसे फेमस एग्जांपल है, हाँ एक बात और, यहाँ पे एक नोट और लिखाना है, नोट नोट ये है, पहला अगर वन वन रो में हो, कहाँ साहब हो, तब जीरो लाने के लिए कॉलम से कॉलम घटाए। अगर वन वन कॉलम में हो, तब जीरो लाने के लिए रो से रो घटाए। क्या बात पकड़ में आया? बहुत काम का पॉइंट ये, याद भी हो गया आपको अच्छा से। इसके आधार पे एक सवाल लाते हैं। सवाल ये है, पीटी मतलब डूब जाए, बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, ठीक, हम बात करते हैं साहब, एक बार बताओ
कहीं कहीं वन वन लाना पड़ता है और कहीं कहीं आपको वन वन खुद देगा। इसमें क्या किया है, खुद दिया है, क्या हमको लाना पड़ रहा है? नहीं ना। इसमें हमको पिछले सवाल कहां गया भाई, वन वन लाना पड़ा था दोनों को जोड़कर, तो ये आ गया था, फिर ये सब सेम था, कॉमन कर लिए थे। ठीक, तो कहीं की क्या करता है साहब, लाना पड़ता है, कहीं कहीं दिया रहता है। इस सवाल में क्या है, दिया हुआ है। अगर वन वन कहाँ है, कॉलम है कि रो में है? कॉलम में है, क्या करेंगे, कर दे आर वन, आर वन माइनस आर टू, कर दे साहब, हम इसमें से इसको घटाए हैं, ठीक है ना, इसमें से घटाया कितना हो गया जीरो, इसमें से घटाएंगे ठीक, इसमें से घटाएंगे साहब, इसमें से ही बोलो साहब, हम आर वन और आर टू को चेंज किए हैं, आर थ्री को चेंज, तो आर थ्री जैसे है दुगो जीरो आ गया, सवाल बहुत आसान हो गया, लेकिन जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। अब आपको फॉर्मूला यहां याद होना चाहिए, सी इसका याद है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस इसका बी माइनस सी इसका सी स्क्वायर, इन सब में कॉमन क्या है, और यहाँ कहाँ है? अरे जीरो के पास तो दुनिया का हर आदमी है, हम भी हैं, आप भी हैं, जीरो के पास दुनिया का हर आदमी है, ए माइनस बी कॉमन कर ले, इसमें कॉमन क्या है, पक्का इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जीरो वन ए प्लस बी, जीरो वन बी प्लस सी, वन सी, ठीक साहब। अब आप विस्तार कर दो, वन भी आ गया था, जीरो भी आ गया, कॉमन फैक्टर भी आ गया, आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड किससे कीजिएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, और सी वन से क्यों आसान पड़ेगा, दुगो जीरो क्यों लाते हैं आसान पड़ेगा, वन वन क्यों लाते हैं जीरो लाने के लिए, क्या बात पकड़ में आया, एक्सपेंड कर दीजिए साहब, नागिन ब्रैकेट यहां वन, इस रो में है साहब, रो खत्म, कॉलम में है, क्या होगा बोलो भाई, वन ए प्लस बी वन, और साहब तैयार है आप लोग मौसा मौसी का गुना करने के लिए, ए माइनस बी बी माइनस सी, हाँ मौसा मौसी का गुना होगा, तो बी प्लस वन गुना बी प्लस सी माइनस इसका इससे ए प्लस, और यहाँ अच्छा छूट गया सॉरी, आगिन ब्रैकेट और यहाँ ढामिन ब्रैकेट, ठीक, और साहब यहाँ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और जिस दिन ये खुलेगा ना तो माइनस a माइनस बी, माइनस a तो माइनस b प्लस बी कट जाएगा, बच जाएगा c और यहाँ a, क्या प्रूव करना था प्रूव हो गया, समझ में आपको है कि नहीं बताइए, और आगे चलो साहब, अब कुछ जो हमारे नमूना छात्र लोग हैं पढ़ाइए सर, पढ़ाइए किसी आके नहीं कर रहा, पढ़ाइए किसी घोरा गुस्सा होके, अब साहब देख भाई, टू एक्स
पाँच एक्स प्लस चार इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो भाई ये प्रूव करना है हमको, आप बनाओ मत, केवल समझाना आपको है। आपको नियम याद है, सबसे पहले ट्राई क्या करना है साहब, ध्यान सुनना ध्यान से, ये बहुत हेल्प करेगा। ये सवाल पहले पूछा भी हुआ बोर्ड में, साथ दो बार पूछा हुआ सवाल है ये आपके बोर्ड में दो बार पूछा हुआ सवाल है ये, पांच पांच नंबर में। ठीक, सुनना ध्यान से सवाल को, बस सवाल बहुत आसान है। आपको कहना क्या है पहले, वन वन। अब साहब वन वन कैसे आएगा, हम सोच रहे हैं क्या हम तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, है ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो दो चार एक पाँच, पाँच एक्स प्लस सब इसको भी जोड़िए, पाँच एक्स प्लस चार, हाँ हाँ चार, एक पाँच एक्स प्लस चार, तीनों में सेम सेम आ गया, कॉमन ले लेंगे, वन वन आ गया। अरे साहब इस तो बनेगा बहुत आगे, इसी को हो गया। अरे साहब अभी तो हम समझा ना रहे हैं, हम समझा रहे आपको समझा रहे आज, इसलिए जो ऐसा लग रहा है कुछ उससे जो याद किया है नहीं हमें, क्या करेंगे साहब बोलो, आर वन किसी वन, यहाँ दोनों से काम चल जाएगा। और साहब हम करेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे, हम आर वन आर टू जोड़े हैं ना, तो पांच एक्स प्लस तीनों को जोड़िएगा तो, और बाकी जो खटबानर सिंह है इसको लिख दीजिए, समझ में आया कि बात बोलिए, आया तो खराब मत मानिएगा, हम कॉमन ले रहे हैं अभी इसी वक्त ले ले, ले कि छोड़ दे घर के लिए, अब छोड़ दे घर के लिए, अब चलो अगला सवाल समझो। ए माइनस बी माइनस सी टू ए टू ए टू बी बी माइनस सी माइनस ए, आपको बोलो तीन सवाल, दूसरा सवाल है ये, तीन सवाल बोले तो तीन ही होगा साहब, आपको लिखा नहीं है बाद में, ये हम बस समझा रहे हैं, टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी, शायद ये एक बार पूछा है बोर्ड में, हम बस बता रहे कि वन वन आएगा कैसे। आप देख भाई सोच वन वन कैसे आएगा, सेम करो किसी को, सेम होने से फायदा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आया बात बन जाएगा। आप देख तीनों को जोड़ दे, ना 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 यहाँ नहीं आएगा साहब, इन तीनों को जोड़ो फायदा होगा। जोड़ोगे तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे तीनों में आ गया कॉमन हो गया, और साहब जब वन वन आ गया तो जीरो तो उसका बाबूजी ला के देगा, और जब जीरो जीरो आ गया तो एक्सपेंड कर तो हम लोग सकते हैं, एक्सपेंड आराम से कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट में एक स्टेप बच जाएगा। ठीक, अब बस ये आप बताना, हम छोड़ देंगे। अरे किताब के सवाल है आपके, और भाई एक बार सोचना आप लोग, एक बार बताना हमको कि सही में आप सोच पाए कि नहीं। नहीं भैया हर बार एक ही काम थोड़ी होता है, इसमें काम क्या करें बताओ, पक्का तीनों को जोड़ेगा फायदा क्या होगा, हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस
यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही, अरे गलत लिखा गया है, वाई वही था। हाँ यस, अच्छा नहीं हम कैसे जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ना होगा, हाँ आप ही चाहते हैं भाई, हम कैसे जोड़ना होगा, तब ये आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे हम ले लेंगे, हो जाएगा पक्का क्या भाई, रुक जा, एक्स टू बाई टू जेड, जेड जेड डिफेंस सही हो जाएगा, टू वाई टू जेड टू एक्स, ठीक है क्या आपसे बन जाएगा तीनों, तो आप तीन को हो गया ना, तो आपको हम सवाल कर दे रहे हैं होमवर्क कहाँ तक, छह से लेकर ग्यारह तक,